हेलो एवरीवन, राधे राधे दोस्तों। आज अब मैं आपके लिए न्यू रेसिपी लेके आई हूँ, पनीर के पराठे। पनीर के पराठे बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आज आप सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ही स्वादिष्ट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने तसले में 3 कटोरी आटा छलनी सी की सहायता से मैंने छान लिया है। अब थोड़ा सा आपको एक मुट्ठी करीब थोड़ा सा कटोरी में निकाल लिया है। मैंने 1 गिलास पानी लिया है, इसमें नमक डाल देना है और इसमें 1 टीस्पून ऑयल डाला है। अब इसको थोड़ा मैश करके थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको आटे को अच्छे से मारना है और ज़्यादा जल्दबाजी में नहीं, इनको सही से मारना है। बहुत बढ़िया सॉफ्ट पराठे बनेंगे आपके, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और इसको बच्चे भी बहुत पसंद करते हैं। आप टिफ़िन बॉक्स में भी रख सकते हैं बच्चों के स्कूल जाने के लिए। तो इस तरीके से मैंने आटे को मारा है और बहुत धीरे धीरे मारना है, ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करनी है। इस तरीके से गूद गूद के इसको थोड़ा सा, अगर आपको लगे थोड़ा सा गीला हो गया, थोड़ा सा आटा लगा के भी इसको सही से कर सकते हैं इस तरीके से। आप अब ये आटा मेरा रेडी हो चुका है। अब इसमें जो कटोरी में सूखा आटा निकाला था इसमें रख के मैंने ढक के रख दिया है 5 मिनट के लिए। अब चलिए मैं पनीर आपको दिखाती हूँ। मैंने 200 ग्राम पनीर लिया है, अब 2 हरी मिर्च ली हैं। अब कद्दूकस की सहायता से एक प्लेट में इसको कद्दूकस से कर लूँगी। अब इस तरीके से मैंने कद्दूकस कर लिया है पनीर के लिए। अब हरी मिर्च को छोटा थोड़ा काटना है, बिल्कुल महीन महीन। 1 टीस्पून मैंने चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है और धनिया पाउडर, गरम मसाला, इन सबको ऐड कर देना है और मिक्स कर लेना है सही से। अब ये जो आटा मैंने मारा था इसको दोबारा से आपको ठीक करना पड़ेगा। मैंने ठीक कर लिया है, अब रेडी चुका है। मैंने कबीलन को पोंछ लिया है कपड़े से। अब इसमें सूखा आटा डालकर इसको चके को एक लोई लेंगे, नींबू के बराबर की साइज की, थोड़ी बड़ी लेनी है और इसको थोड़ा सा बेलना है। और बेल के 1 चम्मच आपको इसमें लोई के अंदर रखना है। तब तक की जो ये मैं भर रही हूँ तब तक मैं तवा गैस पे हाई फ्लेम पे मैंने रख दिया है, गरम हो रहा है, आप देख रहे हैं वीडियो में। अब इस तरीके से मोमोज की तरीके आपको लोई बना के गोल गोल कर लेनी है। अब इसको मैंने, मेरी लोई तैयार हो चुकी है, अब इसको बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलना है, ज़्यादा टाइट हाथों से नहीं, नहीं तो अगर टाइट हाथों से बोलेंगे तो पनीर अंदर से निकल के बाहर आ जाएगा, फिर आपका पराठा बिल्कुल बेकार लगेगा देखने में। बहुत धीरे धीरे हाथों से बेलना है ताकि ये सही से बेल जाए। बेल के तैयार हो चुका है। अगर थोड़ा सा पनीर बाहर निकल भी जाए तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। अब ये मेरा तवा रेडी हो चुका है, गर्म हो गया है खूब। जब तक कि मैंने पराठा डाल दिया है तब तक दूसरी लोई तैयार कर ले रही हूँ। इसी तरीके से 1 चम्मच मैंने इसमें लोई में डाल के अच्छे से कर दिया। अब ये मेरा एक तरफ सिक के तैयार हो चुका है। अब चलिए इसमें दूसरा मेरा पराठा बेलने के लिए तैयार है। अब ये मैं दूसरा पराठा बेल रही हूँ। तब तक तवे पे मैंने पलट दिया है, वो सिक रहा है धीरे धीरे। आँच हाई फ्लेम है फिर भी थोड़ा टाइम लेता है। चलिए मैं ऑयल लिया है 1 कटोरी में, चलिए इसमें ग्रीस कर देती हूँ। आपको अच्छे से ग्रीस करना है ताकि ज़्यादा ग्रीस नहीं करना है ऑयल से। अब दोनों तरफ बराबर बराबर करनी है। अब ये देख रहे हैं धीरे धीरे चारों तरफ घुमा घुमा के धीरे धीरे सेकना है। अब ये रेडी हो चुका है, अब मैं सर्व कर लूँगी। इसी तरीके से मैं दूसरा पराठा आपको से दिखा रही हूँ। दूसरा भी मेरा पराठा बनने के लिए तैयार है। अब मैंने ग्रीस कर लिया है, ये देखिए कितनी जल्दी सिक रहा है। अब आपको मेरी रेसिपी पनीर के पराठे की कैसी लगी, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट करिए। राधे राधे, बाय बाय।